बॉलीवुड इंडस्ट्री में सनी देओल ने भले ही अपने नाम का सिक्का जमाया, 80 के दशक में काम किया जबरदस्त, 90 के दशक में भी, यहाँ तक कि साल 2000 के शुरुआती दौर में भी सनी देओल के नाम का सिक्का जमा, फिल्म गदर ब्लॉकबस्टर रही। लेकिन इसके बाद धीरे ही धीरे सनी देओल की फिल्मों की लाइन खत्म सी होने लगी और इनकी पॉपुलैरिटी भी गिरने लगी। लेकिन सनी ने जो पहचान बॉलीवुड में बनाई, उसी की बदौलत साल 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने गुरदासपुर की जनता का भी दिल जीता और उनकी पॉपुलैरिटी साथ में बीजेपी का दबदबा ऐसा बना था कि गुरदासपुर की जनता ने संसदीय क्षेत्र के तौर पर सनी देओल को अपना सांसद चुना। अब वहां की जनता ने सुनील जाखड़ के अपोजिट सनी देओल को तो अपना नेता चुन लिया, लेकिन 2 साल बाद किसान आंदोलन के खिलाफ खड़े रहने पर, बीजेपी के पक्ष में खड़े रहने पर, किसान आंदोलन की वजह से नतीजा ये निकला कि सनी देओल को बहुत ही बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा है। पंजाब निकाय चुनाव में सनी देओल के क्षेत्र में उनका ही खाता नहीं खुला। अब तक देखा जाए तो कांग्रेस ने 6 नगर निगम में जबरदस्त जीत हासिल की। बठिंडा, अबोहर, कपूरथला, होशियारपुर, फतेहगढ़, चुड़िया, यहाँ पर तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया। पंजाब में देखा जाए तो बीजेपी सांसद सनी देओल के संसदीय क्षेत्र में भी उनका पार्टी नहीं खुला, जो वाकई में सबसे बड़ा झटका इस वक्त हेमा मालिनी के लिए भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सनी देओल की स्टेप मॉम हेमा मालिनी मथुरा की सांसद है और सनी देओल के इलाके में बीजेपी का खाता ना खुलना पूरे परिवार के लिए, कहीं ना कहीं धर्मेंद्र के लिए भी बड़ा झटका है। देखा जाए तो धर्मेंद्र किसान आंदोलन के दौरान किसानों के पक्ष में खड़े रहे और बीते काफ़ी समय से ट्विटर पर वो एक्टिव नहीं है, जिसके कारण बीजेपी में उनकी पत्नी हेमा मालिनी और उनके बड़े बेटे सनी देओल के शामिल होने के बाद उन्हें भी ट्रॉल किया गया। खैर, अब सनी देओल के परिवार पर तो मुसीबत है ही। बॉबी देओल की एक तरफ फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी, किसान आंदोलन को लेकर असर उनकी फिल्मों पर पड़ा, क्योंकि सनी और हेमा बीजेपी के साथ खड़े होकर किसान आंदोलन के खिलाफ खड़े रहे। लेकिन दूसरी ही तरफ सनी को इतना भारी नुकसान सहना पड़ा है। जी हाँ, कांग्रेस ने जीत का परचम लहरा लिया है। 29 सीटों पर पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है पंजाब की गुरदासपुर में, जिसके कारण प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को मात देने वाले सनी देओल को अब 1.5 साल बाद बहुत ही ज़्यादा उल्टे नतीजे का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की नाराजगी का ही असर सनी देओल और उनके परिवार पर पड़ा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।